हेलो एवरीवन, आई एम निहारिका एंड वेलकम टू माय चैनल पप्स टू प्लांट। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू ग्रो बीन्स फ्रॉम सीड्स। ये जो बीन्स हैं ये बहुत ही कम जगह पे ग्रो होने वाली वेजिटेबल हैं। अगर आपके पास 9 to 10 इंचेस का पॉट भी है तो उसमें आप बीन्स का एक पैकेट आराम से लगा सकते हैं और बीन्स ग्रो होने में बहुत ही फास्ट होती हैं। अगर आप बीन्स अपने छत पे ग्रो करेंगे तो आप उसको खा खा कर थक जाएंगे, इतनी ज़्यादा ग्रो होती है बीन्स। तो देखिए बीन्स के सीड्स कैसे होते हैं। बीन्स या फिर कोई भी वेजिटेबल अगर आप अपने टेरेस पर ग्रो कर रहे हैं तो आप कोशिश करें जब उसकी सीड्स लगाएं तो थोड़े से बड़े पॉट के अंदर लगाएं ताकि उसे ग्रो करने के लिए स्पेस मिल जाए। अगर आप किसी ऐसे पॉट के अंदर बीन्स ग्रो करेंगे जिसके अंदर स्पेस ही ना हो तो वो जब सीड जर्मिनेट हो जाएगा तो उसे बढ़ने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी और बहुत ही छोटा सा प्लांट बन के रह जाएगा वो। इसलिए थोड़े से बड़े पॉट के अंदर लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा पॉट आप ना निकालें तो इस तरह की जो पॉलीथिन्स आती हैं नर्सरी की पॉलीथिन्स, इसके अंदर भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बीन्स के सीड सॉइल के अंदर डालने के बाद हम थोड़ी सी लेयर ऊपर से सॉइल की चढ़ा देंगे। ये मैंने नॉर्मल सॉइल ही ली है इसको ग्रो करने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं ये सॉइल किस तरह प्रिपेयर करती हूँ तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। अब इस पॉट को हम 1 वीक तक शेड के अंदर रख देंगे। फिर जब ये सीड्स थोड़े से जर्मिनेट हो जाएंगे और थोड़े से स्प्राउट कर जाएंगे उसके बाद हम इसे सनलाइट के अंदर लेकर आएंगे। बीन्स जैसी वेजिटेबल्स फुल सनलाइट के अंदर लगती हैं और इनको ग्रो करने के लिए 10 इंचेस का पॉट अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी आपको ग्रोथ मिलेगी। सीड्स को पॉट में लगाने के बाद मैंने 1 वीक तक अपने प्लांट को शेड के अंदर रख दिया था जिसमें धूप नहीं आती थी पर अच्छी सी लाइट आती थी। तो देखिए इसने कितनी अच्छी ग्रोथ ले ली है। और बीन्स वैसे भी बहुत जल्दी ग्रो करती हैं और मैंने आपको बड़े पॉट में ग्रो करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि बड़े पॉट के अंदर रूट्स को फैलने के लिए जगह मिल जाती है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने ये पॉट लगाया था, जब मैंने इसमें सीड्स लगाए थे तो कुछ सीड्स मैंने अपने बड़े पॉट में भी डाल दिए थे। तो देखिए सेम टाइम पर दोनों ग्रो हुए हैं, सेम टेम्परेचर पर ग्रो हुए हैं, लेकिन सिर्फ पॉट की चेंज करने से कितना डिफरेंस है इसकी और इसकी ग्रोथ में आपको साफ दिख रहा होगा। तो आप भी थोड़े से बड़े पॉट में अगर ग्रो करेंगे उसमें कंपोस्ट डाल के तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।